हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में, जो NLC रिक्रूटमेंट 2018 की है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्निकल अप्रेंटिस की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 300 वैकेंसीज है और टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए 335 वैकेंसी है। अगर पे स्केल की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 4984 तथा टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए 3542 है। अब ट्रेड वाइज वैकेंसीज की बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 120 वैकेंसी हैं और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 90 है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए 100 वैकेंसी हैं और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 90 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए 30 और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 30, इंस्ट्रूमेंटेशन में 15 टेक्निकल अप्रेंटिस की और 15 ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 15 टेक्निकल अप्रेंटिस, 15 ग्रेजुएट अप्रेंटिस। माइनिंग इंजीनियरिंग में 20-20 वैकेंसी है दोनों में। कंप्यूटर साइंस में टेक्निकल में 20 हैं और ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 25 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 15-15 वैकेंसी है दोनों ट्रेड में। टोटल टेक्निकल अप्रेंटिस की 335 वैकेंसी है और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 300 वैकेंसी है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की और टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं होगा। अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट की तो 16 अक्टूबर 2018 से फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर 2018 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर डिटेल में चेक कर सकते हैं। और जो हार्ड कॉपी सबमिशन की लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2018 है। दोस्तों, जॉब लोकेशन तमिलनाडु में है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इंटरव्यू बेस्ड है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।